हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अब साइंस के लेक्चर लाऊंगा, तो दोस्तों मैं आज आपके लिए फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करूंगा, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, तीनों ही मैं आप पे कवर करवा दूंगा फ्रेंड्स। और जब ये साइंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारा बचे हुए टॉपिक है जनरल नॉलेज के, जैसे कि हमारा वो पॉलिटी है, हिस्ट्री है ना, और आपका जो है वो इकोनॉमी है, वो सब मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको करंट अफेयर्स चालू करूंगा, ताकि करंट अफेयर्स बिल्कुल लेटेस्ट रहे। सारे स्टैटिक पोर्शन हो जाएंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स तैयार करूंगा, ताकि वो लिंक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं जो लेक्चर ला रहा हूँ मैं साइंस का, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ला रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए, क्योंकि सिलेबस में आपके जनरल साइंस है। जनरल साइंस को लेते हुए कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, बस समझ में आना चाहिए क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम लोग को ये सब पढ़ना है, तो आज हम पढ़ेंगे मोशन। बहुत सिंपल टॉपिक रहेगा दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोशन में देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक लेंथ की यूनिट याद रखनी है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, मीटर होती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। और फ्रेंड, एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कि लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, ठीक है, और टाइम की एसआई यूनिट है सेकेंड। अब बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे, सर एसआई यूनिट होता क्या है? देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है, हमारे इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, गज बोलते हैं लेंथ को, है ना, गज बोलते हैं, बीघा बोलते हैं, मतलब अजब अजब टाइप के जो है लेंथ के मेजरमेंट होते हैं। क्या हमारे लेंथ और गज को अमेरिका वाला जानता है क्या? सिंपल से बताइए, क्या हमारे लेंथ और गज को ऑस्ट्रेलिया वाला जानता है क्या? नहीं जानता ना। तो एक ऐसा कॉमन सिस्टम बनाया गया कि इंटरनेशनली कॉमन सब एक ही रहें। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले भी उस लेंथ को मीटर बोले, हम भी लेंथ को मीटर बोले, वो भी सेकंड टाइम को सेकंड बोले, हम भी टाइम को सेकंड बोले, तो क्या हुआ, इससे कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। तो उसे ही कह, इसलिए लाया गया था एसआई यूनिट। समझ में आया ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से फ्रेंड्स। ओके, बस अभी दो, जैसे जैसे मैं लेक्चर चलाऊंगा वैसे मैं और एसआई यूनिट आपको बताते रहूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, मोशन कहते किसे हैं? जब आप अपनी पोजीशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते हैं तो उसे मोशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए आप देखिए, सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप यहाँ खड़े हैं दोस्तों, ठीक है, और आप कहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि आपकी पोजीशन जो है पोजीशन ए से पोजीशन बी में चेंज हो गई। तो आप पहले यहाँ थे, आप यहाँ थे, यहाँ से कहाँ पहुँच गए, यहाँ, तो इसे कहते हैं मोशन, सिंपल। अब देखिए, अब दो चीज़ कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फ्रेंड्स। डिस्टेंस क्या होता है, देखिए दो बिंदुओं के बीच वास्तविक लंबाई जो अपने आपने यात्रा की है, ठीक है, तो जो दो जो एक्चुअली वो वास्तविक लंबाई होती है, जो एक्चुअल लंबाई होती है जो आपने यात्रा की है, उसे बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए कि स्केलर क्वांटिटी है फ्रेंड्स। देखिए दो क्वांटिटी होती है, कि स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बताऊंगा। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम केवल उसका लेंथ माप सकते हैं, वो कितना लंबा है, वो कितना चौड़ा है, वो कितना ऊंचा है, मैग्नीट्यूड नाप सकते हैं, उसकी हम दिशा को नहीं नाप सकते। तो डिस्टेंस की हम केवल दिशा को नाप सकते हैं, इसीलिए डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसकी हम डायरेक्शन को नहीं नाप सकते फ्रेंड्स। अभी बताता हूँ, देखिए आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो जो एक्चुअल लंबाई, ध्यान रखिए, जो वास्तविक लंबाई है उसे कहते हैं डिस्टेंस, जो आपने ट्रेवल किए, जो आपने यात्रा की है। देखिए यह मैं यहाँ था, मैं यहाँ से पहले कहाँ गया, इस पोजिशन पर गया, इस पोजिशन से फिर कहाँ गया मैंने, देखिए इस पोजिशन पर गया। तो मैंने क्या किया, मैंने ये डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस कवर की, ये थी मान लो 5 मीटर, ये थी मान लो 4 मीटर, तो ये पोजीशन ए था, ये पोजीशन बी था, ये पोजीशन सी था। तो मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, 5, ये डिस्टेंस कवर की और ये डिस्टेंस कवर की, 5 और 4, 9, सिंपल, कोई दिक्कत। अब देखिए, देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ देखे होंगे, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है भाई, पहले यहाँ था फिर यहाँ था, तो कोई एक डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए केवल हम इसकी दिशा को नाप सकते हैं, डायरेक्शन को नहीं नाप सकते। अब देखिए फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी जो दूरी होती है ना, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक्चुअल दूरी को डिस्टेंस, छोटी दूरी को डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सिंपल तरीके समझिए। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी दिशा को भी नाप सकते हैं, क्योंकि इसकी दिशा को, क्योंकि इसकी दिशा, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों नाप सकते हैं। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये मैं यहाँ था, ठीक है, अभी जैसे पहला एग्जांपल था, मैं पहले यहाँ गया था, उसके बाद मैं कहाँ गया था, नीचे गया था थोड़ा सा, तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ से और ये 5 मीटर, ये 4 मीटर, तो डिस्टेंस क्या थी, 5 प्लस 4, 9। लेकिन जो शॉर्टेज दूरी होगी वो दोस्तों कौन सी होगी, देखिएगा शॉर्टेज दूरी होगी वो ये होगी, क्योंकि मैं देखूँ ध्यान से तो मेरी दूरी में ये हुई शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना, तो जो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जो सबसे शॉर्टेज दूरी होगी, कम से कम दूरी कौन सी होगी, ये होगी, तो इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देखेंगे आप कि
इसको हम नाप भी सकते हैं कितनी होगी दूरी, और इसकी एक डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन होगी, भाई ये डायरेक्शन आप चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसीलिए क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी, इसलिए ये कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बताइए दोस्तों इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ये सर 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो डिस्टेंस क्या होगी इसकी बताइए, डिस्टेंस कितनी होगी 4 और +3 7 होगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी फ्रेंड्स, वो ये दूरी होगी, है ना। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे मैथ में पढ़ते होंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो डिस्प्लेसमेंट ये निकाल लेंगे। आप कैसे निकालेंगे, ये वाला पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लीजिए, 4² + 3² कितना आ जाएगा, ये पाएगा 5। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 5 शॉर्ट है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। देखिए स्पीड हमें पता करना है, तो स्पीड का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट क्या होगी भाई, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी। जब स्पीड स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है, तो उसे यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। दोस्तों हम आप बाइक चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं, आप बाइक चला रहे हो, सपोज करो आप एक्सेलेटर घुमा मत, एक्सेलेटर को एक जगह रोके रहो, तो आपकी गाड़ी मान लो 40 के कांटे पे है, तो 40 के कांटे पे रुकी रहेगी। तो जिस स्पीड से आपकी गाड़ी उस समय चल रही होती है वो है यूनिफॉर्म स्पीड, बिना एक्सेलेटर घुमाए। तो आप समझ गए ना, ये देखिए आप जितना आप देखिए हर डिस्टेंस को आप प्रॉपर एक ही टाइम पे कवर कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म स्पीड आपकी स्पीड कांस्टेंट है। आप बाइक चला रहे हो तो 40 के कांटे पे स्पीड रुकी हुई है, तो 40 के कांटे पे रुकी हुई है, तो वो कांस्टेंट स्पीड हो गई। ठीक है, बस देखिए जनरल साइंस है, कॉन्सेप्ट समझिए, बस कैलकुलेशन नहीं आने वाली है, कॉन्सेप्ट समझिए। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी दोस्तों, आप देखिए अब मैं बाइक चला रहा हूँ, भैया मैं अपनी कार चला रहा हूँ, सपोज करो आप कुछ भी चला रहे हैं, आपने क्या किया, अपनी बाइक के एक्सेलेटर को भर से घुमा दिया, घुमाया तो क्या होगी स्पीड आपकी तेज हो जाएगी, तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आपके टाइम के साथ साथ स्पीड भी बढ़ रही है, पहले आप 20 पे थे, फिर अपना स्पीड एक्सेलेटर आप 30 पे पहुंच गए, फिर एक्सेलेटर को मैं आप 40 पे पहुंच गए, फिर एक्सेलेटर को मैं आप 50 पे पहुंच गए, तो उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स वेलोसिटी क्या होती है, देखिए स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने बताया ना स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ध्यान रखिए यूनिट वही रहेगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की यूनिट मीटर होती है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन है लेकिन स्पीड की कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इसमें बताना है आपको कि स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखिए आप एक बॉल लिए हैं, बॉल को आपने उछाला, और उछालने के बाद बॉल क्या होगा, दोबारा जमीन पर वापस आएगा, तो बताइए फ्रेंड्स इसकी स्पीड कितनी होगी। डिस्टेंस है ये 10 मीटर और टाइम दिया है 5 सेकंड, 5 सेकंड में ये ऊपर से नीचे आई, तो बताइए स्पीड कितनी होगी, बताइए तो स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 10 गया 10 आया, तो कितनी होगी 20, तो 20/5 कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी होगी मेरी 4 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, जहाँ से आप जहाँ गए थे और जहाँ रुके वहाँ की शॉर्टेज डिस्टेंस। आप लोग गौर करिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहीं से उछाला, देखिए मैंने यहीं से उछाला और यहीं वापस आ गया, तो जब इसी पॉइंट पर वापस आ गया जो मेरी इनिशियल पोजीशन थी, शुरुआत की पोजीशन थी, वही मेरी फाइनल पोजीशन थी, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है समझ में आया, तो वेलोसिटी क्या हो गई जीरो, ध्यान रखिएगा सिंपल समझ में आना ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको लगेगा नहीं कि हाँ फिजिक्स कुछ होता है। देखिए फ्रेंड्स एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। देखिए आप पहाड़ पर गाड़ी चलाते हो ना गाड़ी, तो गाड़ी क्या होती है रुक जाती है, धीरे होती है, तो उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। और जब आप पहाड़ से नीचे आते हो गाड़ी, तो अपने आप गाड़ी का एक्सेलेटर ना भी घुमाओ तो गाड़ी क्या होती है स्पीड तेज हो जाती है, तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से ही एक्सेलेटर बनाना है, जो आपके बाइक में एक्सेलेटर होता है ना भाई, एक्सेलेटर घुमाया, जैसे एक्सेलेटर घुमाते हो स्पीड तेज हो जाती है, तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। जब आप एक्सेलेटर को धीरे करते हो तो उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सेलेटर होता क्या है, आप देखो जब आप एक्सेलेरेट करते हो तो आपका कांटा क्या होता है, पहले मान लो 40 पे था, अब कांटा एक्सेलेटर घुमाते हो कांटा किस पे चलाता है 60 पे, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो गया। तो जब वेलोसिटी में चेंज हो जाता है अपॉन टाइम, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज को बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब देखिए फ्रेंड्स इसकी यूनिट क्या होगी, इंपॉर्टेंट है। देखिए वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, और टाइम की होती है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है एक्सेलरेशन की यूनिट। ओके फ्रेंड्स,
और सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखिए जब आप किसी सर्कुलर पाथ में मूव करते हो तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, कोई प्लैनेट घूम रहा है, और ये हमेशा एक्सेलरेटेड होता है फ्रेंड। देखिए ध्यान देखिएगा, जब भी आप किसी सर्कुलर मोशन में होते हो, देखिए अभी मैं बता दूँ, जब आप किसी सर्कुलर मोशन में होते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप देखिए पहले आपकी वेलोसिटी किधर होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप देखिए एक्स, आप कहोगे सर मेरी स्पीड तो, मैं तो स्पीड तो कांस्टेंट है, देखिए यहाँ भी 40 स्पीड है, 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 तो आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं सर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो मैं बताऊंगा दोस्तों आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं पहले, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी दिशा भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। आप केवल मैग्नीट्यूड बता रहे हो, दिशा नहीं बता रहे हो। आप देखो यहाँ पर दिशा ये थी, यहाँ पर दिशा ये हो गई, यहाँ पर दिशा ये हो गई, यहाँ पर दिशा ये हो गई, क्योंकि दिशा चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो एक्सेलरेशन होगा फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, ये मेरा मोशन का लेक्चर था, ऐसे में सारे लेक्चर छोटे छोटे लेक्चर ले आऊँगा बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ। पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप सबको, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और लेक्चर आपके लिए ऐसा लेके आऊँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।